हेलो वेलकम गाइस, एक बार फिर से लगे तुम्हारे विजय की एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप अपने घर में सेफ है, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज जाए लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम जा रहे हैं मैकडी, तो वहाँ पे अभी अंकिता ने कुछ नया डिस्कवर करा है, कुछ उनकी नया कुछ आया है। चिकन विंग्स कौन सा आया अंकिता? चिकन विंग्स चिली लाइन, मतलब अंकिता भी श्योर नहीं है, बट अभी हमने कहा एक बार ट्राई करके देखेंगे एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे और आप लोगों को उसका रिव्यू बताएंगे कि वो कैसा है। सो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, आपको उसका पूरा रिव्यू दूंगा, उसका टेस्ट का, उसके प्राइस का। सो आइए चलिए चलते हैं। मुझे तो ऐसा लगा चिकन विंग्स KFC कहेगी। नहीं नहीं, मैकडी था क्योंकि मैक विंग्स लिखा था। मैक विंग अब इतना नया है तो अभी तक आया होगा कि नहीं यहाँ पे स्टोर्स में, पता नहीं। सीधे जाना है सीधे जाएंगे क्योंकि दिल्ली इधर से जाएंगे तो फिर वहाँ जाएंगे, पर दिल्ली और ये सब तो बड़ी सिटीज में तो आ ही जाता है ना पहले। नोएडा भी आ गया होगा, नोएडा में भी मतलब आ ही जाना चाहिए। हम नोएडा सेक्टर 15 के मैकडी के ड्राइव थ्रू में आ चुके हैं। अभी हम लाइन पे लगे हैं और क्योंकि अभी हमें पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो अभी वहाँ से आगे कौन सी गाड़ी MG हेक्टर खड़ी है। मुझे दिख तो नहीं रहा है क्या? चिकन आगे हो, ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो फिर क्या लेंगे? नहीं तो फिर दो कोल्ड कॉफी और पिज़्ज़ा में या फिर चिकन मैकरेल। कौन सा था? चिकन विंग्स। बस पूछना चिकन विंग्स है। चिकन विंग्स गाइस, अगर चिकन विंग्स नहीं मिलेगा तो हमारे से मतलब हो जाएगी अंदर बलेंडर। मैम चिकन विंग्स आ गए। हाँ कैसे, किस में है? फोर पीस कैसे हैं वो? टू पीस है, फोर पीस। तो फोर पीस चिकन विंग्स कर दीजिएगा और टू कोल्ड कॉफी मैक फ्लोट कर दो। वन मैक फ्लोट ले लो तुम, कोल्ड कॉफी एंड वन कोल्ड कॉफी। अब हम जाएंगे यार अपनी डिलीवरी कलेक्ट करने। मुझे लगा मुझसे भी पूछेगी मैक फ्लोट की ड्रिंक पूछी। उसने कहा कि सब लोग कोल्ड ड्रिंक मतलब कॉफी पीते हैं तो इनको भी कॉफी पसंद है, पर ऐसा मुझे मैक फ्लोट में तो फैंटा ही अच्छी लगती है क्योंकि आइसक्रीम के साथ कुछ ऑरेंजी का फील ही अलग होता है। बिल्कुल, तभी मैंगो। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तभी ऑरेंज स्लश कितना अच्छा होता है। बट मुझे सही बताओ, मुझे मतलब फ्लोट पसंद ही नहीं आते यार। हॉट स्टफ का वो याद आ गया क्या? ऑरेंज स्लश विद आइसक्रीम याद है तुम्हें? हॉट स्टफ के लिए हमें इलाहाबाद जाना पड़ेगा अराउंड 800-900 किलोमीटर दूर। अगर अभी उतनी हालत नाम है नहीं कि हम 800 किलोमीटर दूर जाएं। जा सकते हैं, जाएंगे बट अभी नहीं, कुछ सामान भी पैक करना पड़ेगा, लैपटॉप सब। गाइस देखो हम गाड़ी में लेके, मतलब ये अच्छी चीज़ है बाहर, मतलब फॉरेन में पहले से इधर ड्राइव थ्रू कि आप गाड़ी में बैठ रहे हो, आपको ऑर्डर करो, आगे काउंटर से आप अपना ऑर्डर ले लो। बट अब इंडिया में भी हो गया बहुत जगह काफ़ी, मतलब मैं तो अभी नोएडा में पहली बार देख रहा हूँ और बाकी काफ़ी जगह और भी हो गया। हमने वहाँ पे भी तो देखा था जब हम देहरादून से आ रहे थे, रास्ते में नहीं था ड्राइव थ्रू? अच्छा हाँ, रास्ते में था और KFC का भी ड्राइव थ्रू था। KFC का और बर्गर किंग का था ना? हाँ था।
मतलब और बन गए हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो रास्ते में बैठे बैठे गाड़ी में आपको उतरना नहीं पड़ता, गाड़ी पार्क, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको गाड़ी के लिए पार्क करने की जगह नहीं ढूंढनी पड़ती कहाँ, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे बड़ा इशू ये है कि आप पार्क कहाँ करोगे, पार्क करने के लिए फिर कहीं जाओ अंडरग्राउंड खड़ी करके आओ, दूर वहाँ से पैदल चल के आओ, फिर रेस्टोरेंट में जाओ, तो बहुत लंबा चक्कर फंस जाता है। तो सबसे बढ़िया है गाड़ी में बैठे रहो। इन्होंने कितना बड़ा ऑर्डर ले रखा है भाई, क्या बता, वो भी कुछ तो लिया है इन्होंने, बहुत ही बड़ा ऑर्डर, चिकन विंग्स लेने आए हूं। सो हम खाएंगे चिकन विंग्स। हमने जो कल लिए थे चिकन विंग्स वो कितने के लिए थे, जो हमने वहां से लिए थे, जशन तंदूरी चिकन था, तंदूरी चिकन विंग्स नहीं था, चार पीस था उसमें, 300 के ना, 300 के, बट ये मैकडी के, ये सस्ता है क्योंकि देखो अंदर लिखा है 2 पीस 109 का है, बिल में देखो कितने का है 4 पीस, अंदर अभी बड़े उसमें डिस्प्ले पे आया था, 4 पीस कितने का है, 4 पीस 199 का, 4 पीस इज नॉट बैड। अब देखते हैं साइज कितना है, पता लगा है इतना सा पीस, छोटे छोटे विंग्स देती है तो फिर तो बात ही खत्म है, बात ही खत्म। बट आई थिंक KFC से सस्ता है, फिर भी KFC से तो सस्ता होगा। गए देवी में वेट कर रहे, पता नहीं इनका ऑर्डर कौन सा, बहुत इतना बड़ा ऑर्डर है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, आ गया आ गया आ गया, इतना बड़ा ऑर्डर तो है नहीं जितना, दो छोटे छोटे बैग आए हैं यार, नहीं यार दो बैग, एक छोटा सा वो है बॉक्स जिसमें उनका बर्गर होगा। भैया भैया मैक फ्लोट ना फैंटा में देना विद आइस। जब तक पूरा ऑर्डर नहीं मिला कभी किसी को थैंक यू मत बोलो, हमसे पहले पूरा ऑर्डर है। और अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखो, हमने रखा है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये यहाँ पे मतलब नहीं दिखाई देगा, तो अपनी गाड़ी में हमेशा डस्टबिन रखो ताकि कूड़ा आपको बाहर ना फेंकना पड़े। थैंक यू। तो हमारे चिकन विंग्स आ गए हैं, अब हम कहीं पे रुकने की जगह देखेंगे और वहाँ पे अपनी थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे। मैगडी की कॉफ़ी तो सभी ने पी होगी जो कि हमेशा ही अच्छी होती है, बेस्ट होती है। गाइस पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ 4 विंग्स, इतने से हैं देखो ये, इतने छोटे से, और इन्होंने कोई सॉस भी नहीं दिया साथ में, नहीं दिया, दिया था भैया, नहीं दिया यार, बोलना चाहिए था इन्होंने, हर चीज बोलो, इन्होंने सॉस पता नहीं देना, इसके ऊपर कुछ डाला है, इन्होंने ऊपर कुछ मसाला डाला है। गाइज आप देख सकते हो, तुम भी लो, इन्होंने इसके ऊपर कुछ मसाला डाला है, अब मैं आपको इसको बताता हूँ कैसा है खाने में। इसकी स्मेल वैसी है जैसे KFC पॉपकॉर्न पे जो मसाला होता है। एक बाइट और लेते हैं, कुछ नहीं गाइज, इन्होंने KFC को कॉपी कर पर अच्छा है, काफी अच्छा है, क्रिस्पी है और अंदर तक मतलब बहुत जूसी है और वेल कुक्ड है अंदर से, और कोई स्मेल नहीं आ रही, मैंने एक बार KFC में खाया था उसमें स्मेल आ रही थी, और प्राइस भी अच्छा, प्राइस भी अच्छा है मतलब रीजनेबल है, बहुत महंगा नहीं है, पर मैं इतने छोटे पीस भी नहीं है, बहुत नॉर्मल पीस है, मतलब आप एक आदमी या दो आदमी कम से कम एक जैसे नॉर्मल अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो 4 पीस 199 का था, 199 रुपए में क्या ही आता है, अच्छे आपको मुर्गी के मतलब 4 पंख मिल गए और क्या चाहिए। तो अब हम खाएंगे और आप इसके ही मजे लेना।
तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, और जो भी चिकन विंग्स थे बहुत ही अच्छे थे, टेस्टी थे। केएफसी का कॉपी नहीं था, मतलब आपको लगेगा क्योंकि केएफसी में ऑलरेडी चिकन आता तो वैसा लगेगा, बट कॉपी नहीं था, बट कुछ अलग थोड़ा सा जो उसकी सीजनिंग है, थोड़ी हाँ चिली और लेमन का फ्लेवर है उसमें, जो मसाला ही दिया गया ना, ये जो मसाला कुछ अलग है, और अगर आप जब भी आते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप नहीं ट्राई कर सकते हो, पर आप कर सकते हो अगर आप नॉनवेज खाते हो। बाकी आपके लिए यहाँ पे मैगी मिल जाता है, आप सबको पता है, पर क्योंकि ये नया आया था तो हमने इसलिए ट्राई करा और आपको बताया। तो मैं इसे दूंगा 9 out of 10, 9 मतलब 1 मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि चिकन विंग्स थोड़े से छोटे लगे, बाकी तो सही था, क्योंकि हम जो अपने नॉर्मल अगर आप मीट शॉप में जाके कटाते हो तो चिकन विंग्स अच्छा खासा इतना बड़ा होता है, तो इतना सा चिकन विंग्स था, या हो सकता है इनका चिकन छोटा हो, मतलब छोटा पक पक करते हुए मार दिया इन्होंने, बट नहीं ऐसा नहीं, अच्छा था, टेस्टी था। और कॉफ़ी तो अच्छी होती है, अंकित ने जो मैकफ्लोट लिया है विथ फैंटा वो भी अच्छा ही है, और बाकी सब अच्छा था। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और ये था आज का ब्लॉग, आज से यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज जाए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, और मेरे हर वीडियो को देखा करें, आपका सपोर्ट जरूरी है, और आपका कमेंट और आपका लाइक और शेयर करना भी जरूरी है। ऐसे मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ, आई होप कि आप अपने घरों में सेफ रहेंगे, तो एंजॉय।